हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और रिवीजन फुल स्पीड में हो रही होगी। मैं सीए राज की अग्रवाल आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ CMA वाले बच्चों के लिए, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। आपके इंस्टीट्यूट ICMAI ने मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसे आप NQP बोलते हैं, वो फाइनली रिलीज कर दिया है फॉर न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। मगर रुकिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो इन मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर है। लेट मी ओपन इट टू शो यू। ये देखिए क्या दिख रहा है। इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है फॉर न्यू सिलेबस ऑफ CMA इंटर एंड फाइनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन A में अब आपके MCQ आएंगे। पर आप बोलेंगे सर MCQ फिल इन द ब्लैंक्स तो पहले भी आते थे, तो चेंज कहाँ है। अरे भाई, लुक एट द मार्क्स। Now you will get 15 MCQ of 2 marks each in every paper of CMA Intermediate. That is total 30 marks MCQ in each paper of Intermediate. Whereas in CMA final level, each paper will contain 10 MCQ of 2 marks each. जो total बना 20 marks का MCQ in every paper of CMA final. और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जैसे पहले आते थे। तो अगर आपका एक भी MCQ गलत होता है, राइट, तो 2 मार्क्स तो गए आपके, राइट। मेरे हिसाब से अब पास करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि टोटल 30 नंबर तो सिर्फ MCQ से आ सकते हैं इंटरमीडिएट में, और 20 नंबर आ सकते हैं आपके MCQ से फाइनल लेवल पे, राइट। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो आराम से अटेम्प्ट तो सारे के सारे MCQ को जरूर करिएगा, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग और प्रॉपर रिविजन करिए। इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी जरूर से सॉल्व करिए। अब चलिए बात करते हैं ओल्ड सिलेबस वालों से। ओल्ड सिलेबस में पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि क्या है पेपर पैटर्न। यानी कि 10 MCQ आएंगे आपके 1 नंबर के, उसके बाद एक मैच द फॉलोइंग होता है 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स। जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 5 नंबर के और 5 ही ट्रू एंड फॉल्स होंगे 5 नंबर के। सो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर अंडर द ओल्ड सिलेबस एंड 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने इन मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो चेक एंड सॉल्व देम। My best wishes are always with you. Keep learning, keep enjoying.